होने के लिए लोग कभी कभी ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जिसके बाद वह अपने आगे की जिंदगी तो जेल में काटते ही हैं, साथ ही समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। एक ऐसा ही मामला हमीरपुर से सामने आया है जिसमें महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर एक व्यक्ति को ठगा गया। हमीरपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने सेक्स वीडियो बनाकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल परिवहन निगम के लिपिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे सेक्स के जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। जिला मुख्यालय के सैयदवाड़ा मोहाल निवासी ताहिर हुसैन परिवहन निगम विभाग में लिपिक के पद पर तैनात हैं। स्थानीय कोतवाली में घटना की तहरीर देने के बाद उसने बताया कि 2 माह पूर्व सुमेरपुर कस्बे की एक महिला उसके कार्यालय में आई थी और उसने संविदा के चालक परिचालक पद पर भर्ती होने की जानकारी ली। इसके बाद कर्मचारी को महिला ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर मोधा कस्बे के मलिकुआ चौराहा बुलाया। इसके बाद महिला उसे छिमोली मार्ग स्थित आईटीआई के पास बनी कॉलोनी ले गई। लिपिक को आरोप था कि महिला अपने साथी संजय निषाद व उसके भाई नरेश के साथ मिलकर उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद सीने पर तमंचा लगाकर परिवार वालों से बात कराते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लिपिक ने बताया कि 24 घंटे के अंदर रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस दौरान उसे नशीला पानी पिलाकर बेहोश रखा गया। इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकदी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वो बात करता था, बात करने के बाद वो बंदा बात करने के बाद आया मिलने के लिए और उससे हमारे उसके बाद वो आया जब तो हमने उसने काम किया तो उसने हमने वीडियो बना लिया खिड़की से बाहर से और उसके बाद खिड़की बनाने के वीडियो बनाने के बाद हमने बोला कि हम जा रहे हैं रिपोर्ट करने पुलिस से। तो उसने कहा पुलिस रिपोर्ट ना करो, हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें। इसने हमें पैसे दिए तो हमने उसका डिलीट कर दिया। अभी तक कितने लोगों को हमने जाल में फंसा होगा? पहली बार हुआ था, ये पहली गलती है लास्ट बीमारी कितने? नहीं, उसने अपने मन से कहा था हमारी पुलिस रिपोर्ट ना करो, हम पैसे दे रहे हैं और आगे कोई कार्रवाई ना करना, हमने हमसे गलती हुई है तो हमने पैसे के लालच में आके हमने शांत हो गए। पैसे हमने पैसे दे रहे तो हम कोई बात नहीं है, उसने हमें पैसे दिए हम शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने हमें ये कार्रवाई हमारे खिलाफ की जिसमें एक महिला सहित 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक स्कूटी, महिंद्रा टीयूवी कार व फिरौती की 8,40,000 की रकम भी बरामद हुई है। यह सभी मिलकर महिला की आड़ में कई सफेदपोश नेताओं के साथ व्यापारियों को भी अपना शिकार बना चुके हैं। ये 20 जनवरी को एक व्यक्ति तारिक हुसैन है कोतवाली के, उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया था कि उनको ब्लैकमेल करके और उनको बंधक बना के उनका अपहरण करके कुछ लोगों ने उनका असली वीडियो बनाया और वीडियो बना के उनसे पैसे की मांग करी और उनसे 8,40,000 रुपये वसूल लिया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया थाना मौधा में और हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसके सर्विलांस की मदद लेके उन लोगों को गिरफ्तार किया। सभी मुजरिमों को करीब करीब गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ विवेचना पकड़ी थी अभी और उनके कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है 8,40,000 रुपये 100% की बरामदगी थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा की गई। अच्छा, किसी को पुरस्कृत के लिए किया गया है? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है और आगे और पुरस्कार के लिए हम लोग यही हिसाब से अनुरोध कर रहे हैं। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।